नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग तीन तो महान टाइप का मोटो का कंपैरिजन वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो पे हम लोग टोटल तीन मोटो को कवर करेंगे। एक है आपका 775 बेयरिंग डीसी मोटो, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर मोटर है एंड सभी लोग मैक्सिमम टाइम यही मोटो परचेस करते हैं। तो इस मोटर का स्पेसिफिकेशन, मतलब कि करंट कंजम्पशन, RPM, डायमेंशन, ये सब चेक करेंगे। उसके बाद दोस्तों 795 बियरिंग हाई स्पीड डीसी मोटर, जो कि 795 से एक कैटेगरी अपर मोटर है, उसका भी सेम चेकिंग करेंगे। उसके बाद आता है 895 हाई स्पीड बियरिंग मोटर, इसका भी हम लोग कंपैरिजन करेंगे। टोटल ये तीनों मोटर जो अल्टीमेट कंपैरिजन है डीसी मोटर का, 775 वर्सेस 795 वर्सेस 895, तीनों का कैसा स्पीड है, मल्टीमीटर में कैसा करंट शो करता है, टैकोमीटर से इसका RPM एंड डायमेंशन, ये सभी चीज़ हम लोग चेक करेंगे आज की इस वीडियो पे। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो पे पूरा बने रहिएगा और देखिए कैसा ये कंपैरिजन होता है। दोस्तों, वीडियो को पूरा स्टार्ट करने से पहले, अगर आपका ऐसे ही मोटर परचेस करना है एंड जेन्युइन क्वालिटी ओरिजिनल प्राइस पे, तो आप ज़रूर से myinnovation.in चेक कीजिए, क्योंकि myinnovation.in में हम लोग इस टाइप का डीसी मोटर्स, एडाप्टर्स, मल्टीमीटर, ये सब सेल करते बहुत ही नेग्लिजेबल प्राइस पे एंड बेस्ट क्वालिटी में। उसके साथ दोस्तों, आपको हम लोगों से डायरेक्ट टेक्निकल नॉलेज मिल जाएगा। टेक्निकल में कहीं पे आपको इस जगह पे अटक गए हो आपके पूजे में, तो हेल्प भी आपको मिल जाएगा। हम लोगों का जो वेबसाइट है myinnovation.in, ऑल ओवर इंडिया पे कुरियर सर्विस करता है, तो आप इंडिया पे कहीं पर भी हो, घर बैठे आपको आपका सामान मिल जाएगा। तो जरूर से एक बार myinnovation.in फॉलो कर लीजिए, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक दिया हुआ है। और दोस्तों, अगर इन सभी मोटो का आपका टेक्निकल डाटा शीट चाहिए, तो वो भी अवेलेबल है, एक बार वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, फुल टेक्निकल डाटा शीट आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, एकदम पहले तो हम लोग इस तीन मोटो को रन करेंगे। उसके लिए देखिए, मैं इधर पे एक 12 वोल्ट 5 एम्पीयर का अडैप्टर का इस्तेमाल करूँगा, जो अडैप्टर आपका बहुत बढ़िया क्वालिटी का एक्सपोर्ट ब्रांड का होता है। ठीक है, ये तीनों मोटो को रन करता हूँ और देखिए मैं इधर से आपको साउंड सुनाता हूँ कैसा है, आप देखिए। दोस्तों, ये रहा 775 बियरिंग मोटो। अभी दोस्तों हम लोग पावर दे रहे हैं 795 बियरिंग मोटो को। इसके बाद दोस्तों हम लोग पावर देंगे 895 बियरिंग मोटो। दोस्तों, ये रहा मोटर का साउंड। अभी चलिए हर एक मोटर को क्लोजली वॉच करते हैं कि कैसा है। ये रहा दोस्तों 775 बियरिंग मोटर, इसके अंदर का, ये रहा इसका कॉइलिंग। दोस्तों, ये रहा 795 बियरिंग मोटर एंड इसके अंदर का कॉइलिंग ये रहा। उसके बाद आता है दोस्तों 895 बियरिंग मोटर एंड इसके अंदर का कॉइल देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। दोस्तों, अगर तीनों में मेन कंपैरिजन की बात किया जाए, तो पहले तो देखिए 895 में एक जो एक्स्ट्रा फीचर है बियरिंग में, इधर के ऊपर एक लॉकिंग दिया है, ताकि ये जो शाफ्ट है ये अप डाउन ना करे एकदम ही, ठीक है, जो 775 और 795 पे दे दिया नहीं है। उसके अलावा 775 पे अलग से कूलिंग का स्लॉट है, जो 895 पे नहीं है। कूलिंग स्लॉट की अगर बात किया जाए, तो कि कूलिंग फैन में 775 बियरिंग, 895 पे कूलिंग फैन दिया हुआ है, 795 बियरिंग में कूलिंग फैन नहीं है। मैग्नेट दोस्तों, इसका तो मैग्नेट हम लोग अच्छे से देख नहीं पा रहे हैं, बाकी 795 का मैग्नेट बहुत बढ़िया टाइप का अवेलेबल है। तो दोस्तों, अभी देखिए बैक शाफ्ट की अगर बात किया जाए, तो 775 बियरिंग में ही बैक शाफ्ट अच्छी लेंथ का है, बाकी दोनों में लेंथ बहुत कम है। अभी दोस्तों हम लोग दोनों का डायमेंशन बता देते हैं आपको। पहले 775 बियरिंग मोटर, यह है 65 mm का, 66 mm, डायमीटर 44 mm, बियरिंग जाया 17 mm, सेफ्ट आपका 5 mm एंड ये डी सेफ्ट है। और पूरा अगर लेंथ में पकड़ लूँ, तो ये हुआ आपका 96 mm का। सेफ्ट का अगर हाइट देखा जाए, तो ये करीब आपका 15 से 16 mm तक है।
सेम अभी चेक करेंगे, ऐसा ही आपका 795 बियरिंग पे, ठीक है। तो 795 बियरिंग पे देखिए जो हाइट है दोस्तों, वो है आपका 71 mm, 67 mm, डायमीटर है आपका 41.1 mm, बियरिंग है 14 mm, शाफ्ट 5 mm जो होता है, एंड टोटल लेंथ अगर पकड़ लूँ तो ये होता है आपका 90 mm का। बाकी दोस्तों इसके ऊपर मैग्नेटिक कवर नहीं आता है अलग से। 895 की अगर बात किया जाए तो इसका है आपका 66 mm, टोटल लेंथ है आपका 109 mm, शाफ्ट है आपका सेम 4.5, एक्चुअली इसमें 5 mm का शाफ्ट होता है, बियरिंग है आपका 17 mm का, मोटर का जो डाया है दोस्तों वो है 41 mm का, एंड इसका शाफ्ट बहुत बहुत लंबा है, करीब आपका 30 mm का शाफ्ट का लेंथ है। तो ये रहा दोस्तों सभी मोटर का डायमेंशन। अभी चलिए करंट देख चेक करते हैं कि करंट कंजम्पशन कितना है। तो दोस्तों सबसे पहले 775 बियरिंग मोटर नो लोड पे करंट कंजम्पशन है 200 mA, ओनली 200 mA। उसके बाद 795 का चेक करेंगे, 795 का 360 mA, उसके बाद 895 का जो कि लगभग सेम ही है 360 mA। तो कॉइलिंग की अगर बात कर जाए तो ये दोनों लगभग आपका सेम कॉइलिंग पे है, मगर 895 का मुझे जितना लगता है थोड़ा सा बेटर होना चाहिए, वो हम आगे जाके RPM टेस्ट पे मिल जाएगा। बाकी 795 का जो आपका करंट कंजम्पशन है वो कम है बहुत ज़्यादा। दोस्तों अभी हम लोग RPM मेज़र करेंगे, उसके लिए देखिए मैं एक डिजिटल टैकोमीटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि है DT2234C+। एकदम ऊपर में सबसे पहले हम लोग 775 बियरिंग मोटर का जो इधर पे RPM टेस्ट करेंगे। तो टैकोमीटर पे इधर पे आपको रीडिंग आ रहा होगा 4100। तो दोस्तों 775 बियरिंग मोटर का जो RPM है ये 4112 वोल्ट पे। अभी इसके जगह पे हम लोग चेक करेंगे 795 बियरिंग मोटर। दोस्तों 795 बियरिंग मोटर का जो RPM अभी आ रहा है फिलहाल 4680 के आसपास। अभी चेक करते हैं दोस्तों 895 मोटर का RPM। कमाल का दोस्तों 895, सच में कमाल का मोटर है। इसका RPM आ रहा है 7500। तो दोस्तों आप लोगों ने कंपैरिजन तो देख लिया, ऑब्वियसली 895 का तो ज़्यादा होना ही चाहिए क्योंकि देखिए 895 सबसे पावरफुल मोटर है इन सभी में से, एंड इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा आता है, 895 ही सबसे ज़्यादा पावरफुल मोटर आता है। तो हम लोग जैसे कि देखें इसका 4100 के करीब, 4600 के करीब, 7500 के करीब RPM में बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल है 895 मोटर। अभी दोस्तों बात करते हैं कि भैया परचेस कहाँ से करें, तो myinnovation.in जैसे कि मैंने बताया उधर से आप इसको परचेस कर सकते हो। रेट और दोस्तों प्राइसेस कैसा रहता है, फिलहाल दोस्तों बियरिंग मोटर का प्राइस 350 रुपये के आसपास है, 795 450 के आसपास है, 895 का प्राइस 650 के आसपास है। बाकी मार्केट में आपको सभी टाइम 775 बियरिंग मोटर ऑलवेज अवेलेबल मिलेगा, मगर 795 और 895 ज़्यादातर अवेलेबल नहीं होता क्योंकि इसका सप्लाई इंडियन मार्केट में बहुत बहुत कम आता है, बहुत मुश्किल से हमको ये दो मोटर बस मिला है। तो दोस्तों होप कि आपने वीडियो एंजॉय किया, और दोस्तों ऐसा वीडियो शूट करने में सच में बहुत मेहनत लगता है, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर ऐसे आपको इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए। तो बस बहुत जल्द मिलूंगा नया एक्सिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा।